लीजिए, आज मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी का भाग 5। टेबल लैंप के नीचे एक हाथ में वो अंगूठी और दूसरी हाथ में लेंस पकड़े हुए था। मेरी धड़कन काफी तेज हो चुकी थी। दिमाग में सैकड़ों सवाल हर एक पहलुओं पे जाकर जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने गोदरेज से वो पहली वाली अंगूठी भी निकालकर उस टेबल के ऊपर रख दी थी। पहली अंगूठी में 3 सुनहली मकड़ियां और दूसरी अंगूठी में 43x160 साथ में वो सब्जी बेचने वाले बाबा की तस्वीर पूरी तरह से मुझे उलझा कर रख दिया था। दूसरी तरफ वो अजनबी रवि और रोहित की आत्मा ने अलग ही कहानी पैदा करके उलझा कर मुझे रख दिया था। रोहित जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में मेरा एक दोस्त भी काम करता है और उसने मुझे कल शाम को ही बुलाया था, लेकिन कुछ जरूरी काम की वजह से कल शाम को मैं नहीं जा पाया था। लेकिन अब ये रहस्य और भी उलझता जा रहा था। पीछे लगी दीवार घड़ी की तरफ देखा, रात के 3:30 बज रहे थे। मैं अपनी आंखों को बंद करके अपने दिमाग कंसंट्रेट करके उसी सब्जी वाले बाबा के साथ घट रही घटनाओं को स्मरण करने लगा। मैंने बाबा को 150 रुपए दिए थे, लेकिन बाबा ने कहा, बाबू 160 हो रहे हैं, उतने ही लगेंगे। और फिर बाद में मैंने उस बाबा को 10 रुपए और दिए। यूं कुल मिलाकर मैंने उसे 160 रुपए दिए। अचानक से मैंने अपनी आंख को खोल दिया और तुरंत ही किचन की ओर तेजी से भागा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ मुझे क्लू 43x160 के बारे में पता चल गया था। किचन की लाइट जलाकर मैंने उस कोने में पड़ी सब्जियों की गिनती करना शुरू कर दिया। एकदम 43 सब्जियां ही थी उस कोने में। आलू, प्याज और टमाटर तीनों में से 3 दर्जन, 36 पत्ता गोभी और भंटा बैंगन 2 मिलाकर 2 जोड़े 4, और फूल गोभी, कद्दू और लौकी तीनों एक एक पीस, टोटल 43 ही थी। दूसरी अंगूठी में लिखा निकला। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कितने बड़े रहस्य को उजागर करके पर्दाफाश किया हो। अंदर से खुश भी था, दिमाग में दूसरा पहलू भी बोल उठा, कहीं वो बाबा कुछ क्लू इस तरह से बता कर देना चाह रहे हो, महज ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। 43 सब्जियां 160 रुपए में अगर उसने लेना होता तो वो 150 रुपए भी रख सकते थे, लेकिन उसे 160 ही लेना था। दिमाग ने एक अलग ही कोतूहल मचाकर रख दिया था। मैं तुरंत ही दूसरे रूम में जाकर 10 दिन पहले की न्यूज़पेपर से लेकर कल तक का न्यूज़पेपर लेकर बैठ गया। अब मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी हो गया था कि आखिर उस रात रोहित का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। 8 दिन पहले की न्यूज़पेपर में रोहित की न्यूज छपी थी। ठीक उसी जगह के आसपास रोहित का एक्सीडेंट उसी रात भी हुआ था जहां कल रात उस ऑटो ड्राइवर का हुआ था। अब ये दोनों बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। रोहित उस रात अपनी बाइक पे था, उसकी जोरदार टक्कर किसी चलती ट्रक से हुआ था, ट्रक वाला अब तक भी लापता था। मेरा दिमाग पूरी तरह से एक एक तार को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा। मैं जितनी जल्दी से जल्दी उस दोस्त से मिलना चाह रहा था जो कि रोहित के साथ उस कंपनी में ही काम करता था। मैंने एक नोटबुक निकालकर सारी घटना जो पिछले हफ्ते से घटी हुई थी उनको नोटबुक में नोट करके लिख लिया था, क्योंकि अब इसके ऊपर गहन छानबीन बहुत जरूरी हो गई थी। पूरे कमरे में अंधेरा सा था, सिर्फ टेबल लैंप जल रही थी। मैं अपने काम में बिजी था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मेरे पीछे कोई है। अचानक से किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर के मारे पीछे की तरफ मुड़ा ही था कि वो बोल पड़ी, ये क्या हो रहा है?
तुम्हें अब रात में नींद नहीं आती क्या? ये अंगूठी, न्यूज़पेपर और ये नोटबुक क्या चल रहा है? दिखाओ दिखाओ क्या लिखा है नोटबुक में। मेरी धर्मपत्नी ने वो नोटबुक मुझसे छीन कर पढ़ने लगी। ये रवि, रोहित, तीन सुनेली, मकड़ी वाली अंगूठी, बाबा, 43/160 वाली, 9 दिन पहले रोहित का एक्सीडेंट, कल रात ऑटो ड्राइवर का एक्सीडेंट, रोहित की आत्मा का हॉस्पिटल के पास मिलना, अंगूठी 43, सब्जियां 160 रुपए, मेरी धर्मपत्नी पढ़ी जा रही थी। ये क्या है? वो अपने चेहरे पर काफी बड़ा सा प्रश्नवाचक भाव लिए हुए थी। वो तो अब कुछ भी नहीं सुनना चाह रही थी। अब तो वो मुझे ये कहने लगी कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन जो मेरे साथ बीत रहा था वो तो मैं ही जान रहा था। सुबह के 6 बजने वाली थी, मेरी पत्नी के आगे मेरी एक ना चली। वो मेरी कहानी पे विश्वास ही नहीं कर रही थी। उसने आज सवेरे 10:30 बजे के एक जाने माने डॉक्टर के यहाँ का नंबर भी लगवा दिया था। वो डॉक्टर इस शहर के जाने माने पागलों के डॉक्टर थे। मैं भी अपनी कहानी लेकर चुपचाप हो गया, क्योंकि मैं जानता था इनको समझाना बहुत टेढ़ी खीर थी। मैंने उनसे कह दिया, ठीक है, मैं आज समय पे डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। मैंने वो दोनों अंगूठी को संभाल कर गोदरेज में रख दिया। फिर फ्रेश होकर चाय पीने के बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया। कॉल उठाते ही उसने कहा, कल नहीं आए? थोड़ा काम में बिजी हो गया इसलिए नहीं आ पाया। आज 8 बजे आता हूँ और उधर से अस्पताल भी चला जाऊंगा। लास्ट वाली लाइन थोड़ी तेज आवाज में कहा, ताकि मेरी धर्मपत्नी के भी कान में ये बात चली जाए। अस्पताल किसे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, आकर बताऊंगा। इतना कहकर मैंने फोन कट कर दिया। मैं चाय पीकर जितना जल्दी से जल्दी घर से निकलना चाह रहा था, लेकिन कोई बहाना नहीं मिल रहा था। मुझे उस सब्जी मंडी पहुंचकर उस बाबा के बारे में पता करना था। चाय पीते पीते ही मैंने कहा, प्रिय, कहीं कुछ रसोई में कुछ सामान घटा तो नहीं? मसाला, ड्राई फ्रूट्स या कोई ऐसा सामान जो कि नहीं आ पाया हो। मेरी पत्नी ने मुझे घूरते हुए देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ आज सवेरे सवेरे ज्यादा ही हो रहा था। सिर्फ पनीर नहीं आया है, वो शाम तक मुझे आज चाहिए। मैंने उसे समझाते हुए कहा, प्रिय, आज दीपावली है, पहले से ही लेकर रखना था। मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ, क्या पता कहीं दीपावली की वजह से खत्म ना हो जाए। घड़ी में करीब 7 बज रहे थे। मैं तैयार होकर पनीर लेने चला गया। पनीर मेरे लिए इतना खास नहीं था। सबसे पहले मैं सब्जी मंडी की ओर चला गया। वहां मैंने 4 से 5 आदमी से उस बाबा के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उस बाबा के बारे में नहीं पता था। मैं निराश होकर सब्जी मंडी से निकलकर अपने घर के लिए लौट रहा था कि अचानक से एक ठेले पे मेरी नजर पड़ी। देखने पर वो वही ठेला लग रहा था जिस ठेले पे कल बाबा ने अपनी सब्जियां मुझे बेची थी। ऐसा लग रहा था कि कितने सालों से वो ठेला वैसे ही पड़ा हो। चारों टायर जमीन में धसी हुई थी। उस ठेले के एक कोने में 43/160 लिखा हुआ था। उसे देखकर मैं रुक गया। फिर से दिमाग में कई सवाल पैदा हो चुके थे। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप, और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।